Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you 4 questions of jumbled sentences asked in the CHSL and CGL examinations conducted by the SSE. ये 4 questions हैं. हर question में 4 जंबल्ड सेंटेंसेस दिए गए हैं. इनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है. हर क्वेश्चन के आंसर्स में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बी सी डी. इनमें करेक्ट ऑर्डर कौन सा है आपको मार्क करना है. बहुत आसान तरीके से हम लोग समझेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 में सेंटेंस ए देखिए, तो ही इज अ गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर. अब यहाँ ही आ रहा है प्रोनाउन, ये कौन व्यक्ति है यहाँ से स्पष्ट नहीं हो रहा, अतः ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा. नंबर बी में आपका शुरुआत है बट से, जो कि एक कंट्रास्ट शो करता है. बट से कभी पहला सेंटेंस नहीं होगा. सी में इट इज़ बिकॉज, ये एक रीज़न दे रहा है, तो पहले कुछ हुआ उसके बाद ही कारण हम देंगे. तो आइए डी आपका संजय, ही कौन है संजय, यहाँ से क्लियर हो गया. तो डी आपका फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा. अब ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो डी से आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है बी और दूसरा है सी. तो हमें दूसरे सेंटेंस को ढूंढना होगा. संजय इज माय बेस्ट फ्रेंड. अब ये बेस्ट फ्रेंड संजय है क्या, तो नंबर ए से स्पष्ट हो जा रहा है ही इज अ गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर. तो यानी डी के बाद आपका ए होना चाहिए. तो देखिए डी के बाद ए ऑप्शन नंबर सी में है. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. बस यही आपका आसान तरीका होगा पकड़ लेना है. बाकी डी ए और किसी में नहीं आ रहा है. तो राइट आंसर स्टूडेंट्स आपका सी हुआ. संजय इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ अ गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर. उसके बाद देखिए बट नाउ अ डेज He does not play international matches. क्यों? It is because he had an accident last year. Hence the right answer is number C, D, A, B, C. Second question है आपका number A. Aishav was one of them. यहाँ देखिए them रुकावट कर रहा है. ये them कौन है उसके बाद ही इसकी बारी आएगी. Number B में he told many interesting stories to the people. अभी तक A clear नहीं हुआ. सी देयर वर मैनी टैलेंटेड पीपल इन एंशेंट ग्रीस. टैलेंटेड पीपल में वन ऑफ देम वॉज एशॉप. यानी आपका सी फर्स्ट सेंटेंस हो गया, ए आपका सेकेंड सेंटेंस हो गया. सी के बाद ए देखिए आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है. तो ये आपका राइट आंसर हो गया. देयर वर मैनी टैलेंटेड पीपल इन एंशेंट ग्रीस. एशॉप वॉज वन ऑफ देम who lived in Greece about 2500 years ago. अब उसके बाद बारी है although he was ugly, he had a very clever brain. और तब आपका भी हो गया he told many interesting stories to the people. Hence students the right option is number A, C, A, D, B. इस तरह से आप correct order को find out कर सकते हैं. Third question आपका है अल्दो, कंट्रास्ट शो कर रहा है. अल्दो से कभी आपका सेंटेंस शुरू होगा नहीं. हाउ एवर भी कंट्रास्ट शो कर रहा है, सो बी से भी आपका स्टार्ट नहीं होगा. आई ऑल्सो यहाँ सब्जेक्ट पर स्ट्रेस दे रहा है ऑल्सो, अतः ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा. तो फर्स्ट सेंटेंस क्लियरली आपका हो गया नंबर डी. वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स आई हैव हैड टू डू वॉज टू लर्न हाउ टू स्विम. सो पहला सेंटेंस आपका स्टूडेंट्स नंबर डी हुआ. डी के बाद देखिए आपके पास डी ऑप्शन ए में है और एक बी में है. यानी हमें सेकंड सेंटेंस देखना होगा कि डी के बाद सी आता है या डी के बाद ए आता है. तो वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स आई हैव हैड टू डू वॉज टू लर्न हाउ टू स्विम. अब इसके बाद देखिए अल्दो आई हैड ए फियर ऑफ वाटर, चूँकि स्विम से वाटर का रिश्ता है. आई हैड थॉट इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्किल आई शुड लर्न. यानी आपका डी ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नंबर
बी में डी के बाद ए आ रहा है और ऑप्शन नंबर ए में डी के बाद सी आ रहा है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे मार कर लें, डी के बाद ए। उसके बाद देखिए सी, आई ऑल्सो थॉट इट वुड बी अ गुड एक्सरसाइज दैट वुड मेक मी फिजिकली स्ट्रॉन्गर, और तब आपका बी आ गया। हाउएवर व्हाट आई डिडंट रियलाइज वॉज दैट इट वुड ऑल्सो मेक मी अ मोर कॉन्फिडेंट पर्सन। कितना आसान तरीके से आपको देखना है कि भाई अल्दो है, हाउएवर है, ऑल्सो है, इससे पहला होगा नहीं, इसके बगैर जो होगा वही आपका पहला सेंटेंस होगा। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4। सेंटेंस ए, ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन, ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन, सवाल उठता है विच सेलिब्रेशन, तो आपका ए फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। नंबर बी, हिना मत सूरी इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द गर्ल्स इन जापान विशिंग देम अ ब्राइट फ्यूचर, ये सेलिब्रेशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, अर्थात आपका फर्स्ट सेंटेंस बी होगा। बी से आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है नंबर सी। कितना आसान तरीका हुआ, आप इसे सबसे पहले मार कर लें, परीक्षा में इसके बाद आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूँ। तो बी आपका हो गया फर्स्ट सेंटेंस, हिना मत शूरी इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द गर्ल्स इन जापान विशिंग देम अ ब्राइट फ्यूचर। अब इसके दौरान क्या होता है, तो नंबर ए में देखिए, ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन मेनी पीपल डिस्प्ले ए सेट ऑफ ऑर्नामेंटल डॉल्स नोन एज हिना डॉल्स। अब ए के बाद देखिए डी में आ रहा है, दीज डॉल्स, दीज हिना डॉल्स, दीज डॉल्स रिप्रेजेंट द एम्परर एम्प्रेस एंड अदर रॉयल रिप्रेजेंटेटिव्स। उसके बाद नंबर सी में आते हैं, दीज रॉयल लुकिंग डॉल्स। अब ये बी तीसरा सेंटेंस ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ एक एडजेक्टिव है रॉयल लुकिंग, और रॉयल लुकिंग बात को स्पष्ट कर रहा नंबर डी में, दीज डॉल्स रिप्रेजेंट द एम्परर एम्प्रेस एंड अदर रॉयल रिप्रेजेंटेटिव्स। सो आपका थर्ड सेंटेंस डी होगा और फोर्थ सेंटेंस आपका सी होगा। राइट ऑर्डर इज नंबर सी, बी ए डी सी। इस तरह से स्टूडेंट्स आप बड़ी आसानी से एक शब्द या एक फ्रेज को पकड़कर करेक्ट ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।